इस वीडियो में आपको डीएचए गुजरांवाला के रिलेटेड 5 मरला की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्राइब की जाएगी। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो 5 मरला के रिलेटेड, आप बाइंग करना चाहते हैं या अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। साथ ही साथ आपको 5 मरला फाइल्स के रेट भी बताता चलूंगा और यहाँ पर रेट क्यों कम हो रहे हैं वो वजूहत भी इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो पर नए आने वाले हजरात से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, डीएचए के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। 5 मरला फाइल की बात की जाए तो 5 मरला फाइल एफिडेविट है वो हमें 29 लाख रुपये में ईजिली प्रोवाइड हो जाता है, जिसके ऊपर ट्रांसफ़र एक्सपेंसिव की मैं बात करूँ वो तो 47,000 रुपये हैं। इस तरह एलोकेशन की बात की जाए तो वो 29-28 लाख से 29 लाख रुपये उसकी डिमांड है, जो कि हमें इजीली मार्केट में प्रोवाइड हो जाती हैं। इनके ऊपर ट्रांसफ़र एक्सपेंसिव जो आते हैं फाइलर को 2% FBR के साथ, वो तकरीबन 1.63 या 1.62 के राउंड फिगर में हैं। डीएचए गुजरांवाला में अभी तक 2 ब्लॉक्स हैं जिसमें 5 मरला की कटिंग दी गई है, जो बेल्ट हो चुके हैं, सी ब्लॉक और के ब्लॉक। सी ब्लॉक जो तकरीबन 80% डेवलपमेंट है और के ब्लॉक की डेवलपमेंट अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। सी ब्लॉक में रेट 5 मरला मिनिमम बात कर लें तो वो स्टार्ट हो जाता है 33 लाख से, और मैक्सिमम बात कर लूँ तो वो 43 से 45 लाख रुपए। ये कॉस्ट ऑफ लैंड की डील होती है। जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 13 लाख रुपए हैं, जो हमें 3 साल की एक साथ में पे करने होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग डेज 2022 है और जिसकी लास्ट डेट जो है 2025 है। के ब्लॉक की बात की जाए, के ब्लॉक में मिनिमम प्लॉट हमें तकरीबन 27 से 28 लाख रुपए में मिल जाता है, और मैक्सिमम प्लॉट की बात करूं तो वो तकरीबन 36 से 38 लाख रुपए में, और इसके ऊपर भी डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो 13 लाख रुपए हैं, जिनकी स्टार्टिंग डेट आपको बताया कि 2022 से स्टार्ट होकर 2025 तक है। अब सी ब्लॉक के पोजेशन की बात कर लूँ, मैंने आपको पहले बता दिया है कि 2025 में इसकी डेवलपमेंट चार्जेस कम्प्लीट होंगे और उसके बाद इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं पोजेशन मिलने की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस और मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।